एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। टाइमलेस है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं मैं आपके बारे में। ओके, ओके, सन आया है बॉटम ऑफ डेक। मैं जल्दी से इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस आप सभी को कार्ड विजिबल होंगे। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने ना कोई दो सिचुएशन खड़ी हो गई थी, या तो आप फैमिली, या आप और काम, या आप और कोई थर्ड वन। ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है, कोई भी दो सिचुएशन, एक तो आप थे ही और साथ में दूसरे कोई और। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, आप दोनों ही थे तो ये जबल कर रहे थे कि किस पे फोकस करूँ, किसके साथ अपने रिलेशन को ठीक करूँ या उस सिचुएशन को बैलेंस में लाऊं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा जबल कर रहे थे किसी भी दो सिचुएशन में। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको छोड़ कर गए थे, ठीक है, किसी और के पास गए थे, या मैं कहूँ किसी और सिचुएशन पे इन्होंने फोकस करना ज़्यादा बेहतर समझा था पास्ट में। ठीक है, अगर ये किसी पर्सन के लिए आपको छोड़ के गए थे तो ऐसा हो सकता है वहाँ इन्हें ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वहाँ उन्हें उस तरीके की दोस्ती नहीं दिखी, वहाँ उस तरीके का प्यार उन्हें नहीं मिला जिस तरीके से आप इनसे करते हैं, या उस तरीके की फीलिंग एक्सचेंज नहीं हुई जिस तरीके की वो आपके साथ करते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक काम भी हो सकता है, ठीक है, कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई थर्ड पार्टी थी या कोई थर्ड वन पर्सन था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको छोड़ा है इस पर्सन ने। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कुछ था जिसकी वजह से ये आपको छोड़ के गए थे किसी दूसरी सिचुएशन पर फोकस करने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ से जब इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है वो नो कांटेक्ट रिलेशनशिप हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अभी, और मैं अगर टाइम की बात बोलूँ 2 हफ्ते हो सकते हैं, 5 हफ्ते हो सकते हैं, या 8 हफ्ते भी हो गए हो किसी किसी को। ठीक है, किसी किसी के रिलेशनशिप को ब्रेक हुए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, और ये सिचुएशन मुझे ऐसी भी लग रही है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ना शादी के लिए मना कर रहे थे या शादी के लिए रेडी नहीं थे पास्ट में, जिस वजह से वो उस वक्त वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाना बेहतर समझा उन्होंने। अब वो आपके पास वापस आ रहे हैं, साथ ही शादी का प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपको शादी के लिए कमिट कर सकते हैं, शादी का प्रपोज़ल आपको दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन 2 बार आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, और ये पर्सन आपको मिरर कर रहा होगा। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, हर किसी के लिए नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिरर करता होगा। ठीक है, और इस पर्सन से यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है अब कंफर्मेशन ये आ रही है कि ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। ऐसा हो सकता है ये शादी की वजह से ही आपसे दूर गया, मे बी ऐसा हो सकता है आप बार बार इनको बोल रहे थे कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, तो अभी इन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हाँ आप उनके राइट वन पर्सन हो एंड ये आपको शादी का प्रपोज़ल दे सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, ठीक है, वो आप खुद रेजोनेट कीजिएगा। साथ ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त ये पर्सन।
ठीक है, आप पे तो फोकस कर ही रहा है, आपके पास वापस आना तो चाहता ही है, बट ये अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये करियर की वजह से भी आपको छोड़ के गया हो, ऐसा भी हो सकता है। उस वक्त इसने ये सोचा हो कि अभी मुझे करियर पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि उस वजह से आपको छोड़ के गया था, ठीक है। तो अब ये बैलेंस हो रहा है पर्सन, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना चाहता है ये, ठीक है, और ये आपके पास वापस आना चाहता है। तो इसने ये सोच लिया है कि ये अब बैलेंस कर लेगा आपके साथ रिलेशनशिप को भी और अपने करियर को भी। अब इतना ये मैच्योर हो चुका है, इतनी समझ आ चुकी है अकेले रह रह के इसको, कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को मैनेज करके चल सकता है और साथ ही अपने करियर को भी मैनेज करके चल सकता है या फैमिली को भी मैनेज करके चल सकता है, बैलेंस कर सकता है, ठीक है। इस पर्सन को अकेले रह के आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई है, ठीक है, आपकी वैल्यू से तभी रियलाइज़ हुई है जब ये अकेला रहा है, ठीक है। और अब ये बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ही लोगों के इन्फ्लुएंस में आया होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसे इन्फ्लुएंस किया तो ये उनकी बातों में आ गया था, इसलिए इसने छोड़ा आपको, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, वो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा, बट मुझे जो लग रहा है वही मैं बता रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, किसी बड़े के इन्फ्लुएंस में आके भी इसने आपको छोड़ा हो, ऐसा हो सकता है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है अब इसको वैल्यू रियलाइज़ हो रही है आपकी, ठीक है, आपको बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, हग करना चाहता है आपको, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, जितनी भी फीलिंग्स ये अब तक दबा रहा था वो बाहर आ रही हैं इसकी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है, और फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा ये पर्सन आपकी तरफ, और इसे आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, फेस टू फेस। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब बहुत बैलेंस है, ठीक है, बहुत शांत हो गया। मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो, ठीक है, इसके नेचर में वो हाइपर हो जाना एकदम से, ठीक है, तो धीरे धीरे अपने माइंड में चेंज ला रहा है ये, ठीक है, अपनी आदतों में चेंज ला रहा है ये धीरे धीरे आपके लिए। ये आपको कैसे भी ना बस इन्फ्लुएंस करना चाहता है, कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहता है जिससे आप इसकी हो जाओ, ठीक है। ये ऐसा सोचता है कि मैं एक मैजिक करूँ और आप इसके हो जाओ, ठीक है। अब आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ये हो रहा है कि जितनी भी सिचुएशन बिगड़ी थी, जो भी कुछ हुआ था ना, वो सब ठीक हो जाए आप दोनों के बीच, ठीक है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वो आपको शादी के लिए प्रपोज करने की सोच रहे हैं, शादी का प्रपोजल ला सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हो, तो बता दूँ क्लियरली कि वो अभी ये सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग यही है कि जल्दी से आपको मनाया जाए शादी के लिए, ठीक है, आपको प्रपोज किया जाए शादी के लिए, शहनाइयाँ बजाई जाए, ठीक है, बहुत शादी का सेलिब्रेशन किया जाए, वो आपसे शादी करना चाहते हैं धूमधाम से, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि खूब गा बजा कर आपको लेके जाना चाहते हैं, और अगर आप लड़के हो तो वो लड़की सोच रही है कि बहुत जल्दी ही आप दोनों की शादी हो जाए, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है वो चाहती है कि धूमधाम से वो आप दोनों की शादी, ठीक है, वो सोच कर बैठी है कि क्या क्या होना चाहिए, कैसी डेकोरेशन होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ डिसाइड करके बैठे हैं वो ऑलरेडी, ठीक है, अगर लड़की भी है तो, और लड़के भी हैं तो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, खूब धूमधाम से वो आपके साथ शादी करने की सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग यही है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो वो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए आप दोनों के बीच, कुछ ऐसा मैजिक हो, कुछ ऐसा हो कि एकदम से ही सब कुछ ठीक हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मिरर नंबर बहुत दिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, तो 6 9, ठीक है, 1 4
41 ऐसे मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो जाकर गूगल कर सकते हैं एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ही एंजल्स नंबर दिख रहे हैं मुझे रीडिंग में, और आप एक सन की तरह चमकते हो, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको लेके यही सोचते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और बहुत जल्दी वो आपके पास आना चाहते हैं। अगर ये लड़के हैं ना, तो जल्दी से बारात लेके आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन भी आ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, एक नई रोशनी देख रहा है इस रिश्ते में, मतलब उसे कुछ होप दिखी है, या तो कुछ ऐसा हुआ है रिसेंट में, उन्होंने कॉन्टैक्ट करने का ट्राई किया और आपने रिप्लाई किया उन्हें, ठीक है, तो उन्हें एक होप दिख रही है, ठीक है, उन्हें होप दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कहीं से ब्लॉक मार रखा है, ठीक है, उन्होंने कुछ ट्राई किया हो आपसे बात करने का, मैसेज वगैरह किया हो या कॉल वगैरह की हो, तो आपने उनसे या तो ठीक से बात की होगी या उस मैसेज का रिप्लाई किया होगा, ठीक है, तो उन्हें एक होप दिख रही है कि हाँ आप अभी भी इंटरेस्टेड हो और अभी भी उनका वेट कर रहे हो, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना, अब सब कुछ ठीक करना चाह रहा है, बहुत हिम्मत कर रहा है, बहुत हिम्मत जुटा रहा है कि कैसे सामने आया जाए, कैसे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा है, तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि कैसे हिम्मत करी जाए, फैमिली के सामने बताया जाए, फैमिली को मनाया जाए, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अब इस चीज़ को लेकर हिम्मत जुटा रहे हैं कि कैसे फैमिली को मनाया जाए, कैसे फैमिली से बात करी जाए, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है कि आपसे शादी करनी है, और अब उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि आपको प्रपोज करना है, ठीक है। अगर मैं इनकी बर्थ डेट की बात करूँ तो 8, 26, 5, 14, 23 और 9 और 18, 27, 4, 13, 31, 15 और 24 और 6 और 1, 11, ठीक है, और 14 मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 8 ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, 2, 11, 20 भी हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई और अगस्त, जून और सितंबर, या गाइस मुझे यही दिख रहे हैं बर्थ मंथ, ठीक है। और अगर जोडियक साइन की बात करूँ, तो फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है, और एयर साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन में चारों एलिमेंट रखे हैं, ठीक है, तो इनका जोडियक साइन कोई भी हो सकता है। या गाइज मुझे यही दिख रही है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली करंट फीलिंग पे वीडियो अपलोड करूँ, वीडियो डालूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी आप बहुत कम कमेंट करके बताते हो, बट प्लीज़ अगर आप चाहते हो, जेन्युइनली चाहते हो कि हाँ ये रीडिंग रेजोनेट की है, और हम चाहते हैं कि रेगुलर हमें मिले हमारे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो रेगुलर उसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है और रेजोनेट करती है, तो वो भी पता चलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए कर देना मैसेज कि हाँ आप चाहते हो कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ करंट फीलिंग पे, ठीक है। या गाइस मुझे यही लग रहा है, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।